नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी ने आज मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ दिल्ली में विशाल रैली की, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहे। रैली में राहुल गांधी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि मैं बलात्कार वाले बयान पर माफी मांगूं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज देश की जो हालत है उसको देखकर लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। दिल्ली में जारी भारत बचाओ रैली में प्रियंका गांधी ने महिलाओं पर हिंसा, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक तरफ आपसे काम छीना जा रहा है और दूसरे तरफ आपसे नौकरी छीनी जा रही है, लेकिन हर जगह लिखा मिलता है कि मोदी है तो मुमकिन है। गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा है तो 100 रुपए किलो प्याज मुमकिन है, भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है, भाजपा है तो 4 करोड़ नौकरियां नष्ट होना मुमकिन है। राहुल के सावरकर वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता JVL नरसिम्हा राव ने ट्वीट कर कहा है कि राहुल गांधी का उपयुक्त नाम राहुल जिन्ना है। उन्होंने कहा कि आपकी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति और मानसिकता आपको सावरकर की नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना की योग्य वसीयतदार बनाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के 3 बार मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी को 3 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें, फारूक अब्दुल्ला को अनुच्छेद 370 हटाने वाले दिन से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उनको सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि PSA के तहत बंदी बना लिया गया है। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने साथ प्रशांत किशोर को जोड़ा है। खुद CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। केजरीवाल ने लिखा है कि जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि IPAC हमारे साथ जुड़ी है। बता दें कि IPAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी प्रशांत किशोर की संस्था है जो चुनाव प्रबंधन का काम करती है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि अब की बार 67 पार। नागरिकता कानून का समर्थन करने के बाद पार्टी के अंदर से ही विरोध के सुर सुन रही JDU ने अपना रुख साफ कर दिया है। JDU ने अपने नेताओं को जवाब देते हुए कहा है कि पार्टी ने अपनी लाइन तय कर दी है, जिन्हें पसंद नहीं है वो अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। बता दें कि JDU के समर्थन के मुद्दे पर प्रशांत किशोर और पवन वर्मा समेत कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जताई है। नागरिकता कानून के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच असम के गुवाहाटी में आज कर्फ्यू में ढील दी गई है। गुवाहाटी में आज सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद है। वहीं मेघालय की राजधानी शिलोंग में भी 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील है। बता दें, नागरिकता कानून को लेकर पूर्वोत्तर में भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश की खराब अर्थव्यवस्था का असर अब आयात और निर्यात पर भी साफ नजर आने लगा है। देश के निर्यात में लगातार 4th महीने गिरावट आई है। नवंबर महीने में निर्यात में 0.34% की गिरावट आई है और यह करीब $26 अरब का रहा। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार 6 महीने से आयात में भी गिरावट का सिलसिला बरकरार है। नवंबर महीने में आयात में करीब 11% की गिरावट आई है और यह कुल $38 अरब का रहा है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी मंदी की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ICU में जा रही है। देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि यह स्पष्ट रूप से एक सामान्य मंदी नहीं है, यह भारत की महान मंदी है जहां अर्थव्यवस्था को गहन देखभाल की जरूरत पड़ी है। सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में सूडान की एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। यह अल बशीर के खिलाफ चल रहे मामलों में पहली बार कोई सजा सुनाई गई है। अल बशीर युद्ध अपराधों और नरसंहार के आरोपों में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी वांछित हैं। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने टेस्ट मैचों में 7,000 रन पूरे कर लिए हैं। वार्नर ने न्यूजीलैंड के साथ यहां जारी दिन रात के टेस्ट मैच के 3रे दिन शनिवार को यह मुकाम हासिल किया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में डेविड वार्नर ने महान डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया दिग्गज ने 52 टेस्ट खेलकर 6,996 रन बनाए थे, जबकि वार्नर के नाम 7,000 से अधिक रन हो गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।